बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। जवाब तो जाएगी टीम ने बहुत बार आपको दिखाया कि कराची के अंदर कैसे कैसे मसाइल, कैसे कैसे मसाइल की स्टोरीज आपके सामने रखी, लेकिन आज जो स्टोरी मैं दिखाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे दर्दनाक स्टोरी है जिसमें शायद कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ये गुजरा हो, लेकिन कोई अपने लिए खड़ा नहीं हो सका। एक लड़की जब कदम बाहर निकालती है घर से तो वो इस उम्मीद के साथ निकालती है कि वो इस माशरे का हिस्सा बनेगी, लेकिन अगर कुछ भेड़िए कुछ दरिंदे उसको नोच खाएं तो यकीन जाने ये सवाल बनता है कि हम किस पर एतबार करें। आजकल आपके सामने एक चीज़ बहुत आम है कि ऑनलाइन स्टोरीज आप देखते हैं कि ऑनलाइन जॉब अप्लाई लोग करते हैं, और होता क्या है वो जॉब्स के लिए लड़कियां जाती हैं और फिर वहां क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन जिनके साथ जो गुजर जाती है वो शायद लोगों को बता भी नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग बा किरदार होते हैं, बा हिम्मत होते हैं, वो अपनी बात को रखना जानते हैं। और ऐसी एक स्टोरी आज एक बा किरदार लड़की, बा हिम्मत लड़की की स्टोरी है, क्योंकि उस लड़की को जब ऑनलाइन जॉब के हवाले से बुलाया गया और जो उसके साथ हुआ यकीन जाने वो दर्दनाक है। और फिर ऐसे ही कुछ भेड़िए हैं जो ब्लैकमेल करते हैं उन लड़कियों को जब वो उनके शिकंजे में आ जाती है। आज की स्टोरी में उस लड़की का नाम तो मैं शायद ना बता सकूं, लेकिन आज के किरदार में हम एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे उस दरिंदे को कि उसने किस तरह इस लड़की को ट्रैप किया, एक जॉब के नाम पे ऑनलाइन बुला के उस लड़की की तस्दील करी, उसकी पूरी एक वीडियो बनाई, और आज वो उससे कह रहा है कि अगर मेरी कुछ ख्वाहिशात का मतलब आप समझ रहे होंगे। और मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और अपनी बेटियों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कभी एक गलती इंसान की उसको कहाँ पहुँचा देती है हमें नहीं पता होता। एक गलती हमें उस किरदार पर ले जाती है कि हम आने वाली पूरे माशरे में अपनी पूरी फैमिली को रुसवा कर बैठते, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। लेकिन अगर गलती में कोई खड़ा हो जाए अपनी उस इज्जत को लेके कि नहीं जो ज्यादती हुई है मैं उस चीज़ के लिए खड़ा हो के दूसरों के लिए एक सबक बनूंगा, तो यकीन जाने माशरे से बुराइयां कम तभी हो सकती हैं कि जब हम किसी को दिखा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में जिस लड़की का मैं नाम नहीं ले सकता, मैं उसको फर्जी नाम ज़रूर दूंगा कि उस लड़की ने बहुत ही हिम्मत के साथ जवाब तो चाहिए की टीम से रब्ता किया। और मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहूँगा और तमाम नाज़रीन से कि जो लोग हमसे रब्ता करते हैं और अगर हम लेट रिप्लाई करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा माज़रत हूँ, क्योंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो काम ऑलरेडी हमारे पास है हम उसको कम्प्लीट करें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप जब रब्ता जवाब तो चाहिए की टीम से करते हैं तो हम आपको पूरी तरह रिस्पॉन्ड करें। आज के प्रोग्राम में जो हमने किरदार है उससे पहले एक स्टोरी का आगाज़ जैसे हुआ, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि स्टोरी का आगाज़ है क्या। पहले आप ये देखें, फिर मैं आपको मज़ीद आगे की तरफ लेके जाऊँगा। देखिए जो भी बात है मुझसे कह रहे हैं मैं चाहता हूँ ये ऑन रिकॉर्ड हो, इसके ऊपर अगर मैं कोई काम करूँ तो ताकि दुनिया भी वो देखे कि ये जो बात आपने मुझे बताई है। मैं चाहता हूँ एक बार आप मैं नसीब बताऊँ, ये जो एक कहानी है ना ये हम सुनते आ रहे थे, आज पहली बार है कि मेरी टीम के लिए भी ये काफ़ी बड़ी बात होगी कि ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा है जिस पर लोगों को बुलाया जाता है जॉब के लिए उनके साथ क्या कुछ होता है। एक विक्टिम हमारे साथ मौजूद हैं, नाम हम फर्जी रखते हैं आपका, ये बताएँ कि हुआ क्या था, मुझ तक कैसे पहुँची, क्या लगता है और मैसेज क्या देना चाहोगी? सर पहले तो मैंने बहुत यानी कि ऑनलाइन तो जॉब तो मैं ढूंढ ही रही थी, लेकिन आप तक पहुंचने का मेरा मकसद ये था कि मैं उन बंदों को उस शख्स को सज़ा दिलवाऊं जिसने ये किया है मेरे साथ। लेकिन आप तक मैं पहुंची कि आपके लिंक फेसबुक वगैरह ईमेल्स वगैरह को मैंने आपको फॉलो किया, आपकी बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी, यूट्यूब पर भी देखा, तो मुझे लगा कि आप ही एक हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी इंसान होगा ना वो हेल्प करेगा किसी की भी। मुझ तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ढूंढ के पहुंची, चले आप मुझ तक आ भी गई हैं तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त सबसे जो मैंने आपकी बात सुनी उसमें एक बड़े वीक पॉइंट मुझे लगता है कि आप मुझे ये बात बताएं कि आप कैसे किसी इंसान के साथ बैठ के बाइक पर चली गई। अगर आपने जॉब अप्लाई की थी तो आपको तो खुद जाना चाहिए था, अगर लोग देखेंगे ना तो सवाल करेंगे लोग कि लड़की क्यों किसी के साथ बाइक पर बैठती गई। बिल्कुल है सर, मैं एक जॉब ऑलरेडी करती हूँ लेकिन मैं दूसरी जॉब भी करना चाहती थी कि मैं जब कदम बाहर निकाला मैंने तो अब मैं लोगों को फेस करना आता है, आना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी सज़ा बन जाएगी।
गलती छोटी आपको लग रही है, गलतियाँ बहुत बड़ी होती हैं। जब आप अपने घर वालों को बताए बगैर किसी भी अननोन शख्स के साथ कहीं चले जाते हो तो आपको कैसे पता वो इंसान क्या करेगा। अब ठीक है, जो भी हुआ एक अफसोसनाक वाकया आपके साथ हो गया, इस वक्त आपको क्या परेशानी है और आपको क्या थ्रेट्स आ रहे हैं, क्या वो कह रहा है? सर ये है कि उसने पहले तो मेरी वीडियो भी बनाई है तो, और मुझे यानी ब्लैकमेल भी करता है, तो अब मैं यही चाहती हूँ कि मिलने आना है और फिर से उसके वो सारी चीज़ें करनी है जो उसने किया है। देखिए फिर वही वाली बात आ गई ना कि आपने मौका दिया है, अगर देखा जाए आपको नहीं जाना चाहिए। चलें अब इस वक्त मसला क्या है, मसला ये कि वो आपको ब्लैकमेल करता है, ठीक है? आपके पास चैट भी मौजूद होगी? मेरे पास सर इसकी चैट मौजूद है, आप देखना है तो मैं आपको ये सारी चैट इसकी दिखा सकती हूँ। तो मैं आपको नंबर दूंगा, आप मुझे सारी चैट जो है ना स्क्रीनशॉट के जरिए आप मुझे दे दें ताकि मेरे पास प्रूव हो। देखिए इस केस में उसको आना ज़रूर पड़ेगा। तो क्या आपने मिलने की कोशिश दोबारा की, बोला आपने मिलने को? सर रब्ता तो उसने नहीं किया लेकिन वो फजूल बातें करता है, जब भी मुझसे कॉन्टेक्ट में मतलब कि उसने मैसेज किया है तो फजूल बातें करता है। आपने कोशिश मिलने की नहीं की है? मैंने नहीं की है सर। मैं आपको बताऊँ, आप कोशिश करें मिलने की, उसको बुलाएं किसी तरह ताकि वो आपसे दोबारा मिले। जब वो शख्स आपसे मिलने आएगा तभी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। ऐसे अगर हम डायरेक्टली उसकी जगह, कहाँ जॉब क्या करता है वो? सर एक रेस्टोरेंट में शेफ है। रेस्टोरेंट मालूम है? रेस्टोरेंट तो नहीं सर मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन हाँ एक बार उसने मुझे व्हाट्सएप पे जो है अपने चैट भेजा था, गार्लिक कबाब वगैरह के नाम से कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है वो भी जौहर में। अभी हम ट्राई करते हैं मालूम करने की, लेकिन ये बताएं आपको यकीन है कि वीडियो उसके पास है, आपने कोशिश की मंगवाने की? बिल्कुल सर, वो कोशिश मेरी कामयाब हुई। मैंने उससे कहा कि मुझे एक झलक मेरी वीडियो दिखाओ मुझे, कि अगर तुमने मेरी बनाई हो तो उसने मुझे 30 सेकंड की वीडियो जो है उसने मुझे सेंड की थी, लेकिन वो वन टाइम थी जो कि मैं दूसरा मोबाइल मेरे पास था नहीं जो मैं उसको सेव कर सकती। बेटा मैं और लोगों की तरह नहीं आपको पूरी डिटेल लोगों को सुनाऊँ, जो हकायद है हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आपने जो बात मुझे कही है और जो भी ऑफ कैमरा थोड़ी आपकी मेरी गुफ्तगू हुई उसमें बात बहुत सिंपल है। अब कब वो रابطہ होगा, कब वो शख्स इनसे रابطہ करेगा, आपको मैं एक ड्यूटी दे रहा हूँ, आप उसको कोशिश करें मिलने बुलाने की और कोशिश करें कि वो टाइम दोपहर का हो ताकि हम उसको आराम से मिल सकें, ट्रैप कर सकें और उससे वो सारी चीज़ें ले सकें। इसमें मुश्किलात ज़रूर होंगी लेकिन करना पड़ेगा। और एक बार उसको, वो कहते हैं ना चूहे को बिल से बाहर निकालना, वो सिंपल बात है, ये जो ब्लैकमेलर्स होते हैं ये चूहे होते हैं, ये लड़कियों को डरा के उनको इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन गलती आपकी भी है। और जो भी नाज़रीन सुन रहे हैं मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए खड़े स्टैंड लें। ये लड़की जो भी है, अभी मुझे नहीं इनके बारे में पता, ये टोटल यहाँ आई हैं, इनकी क्या इश्यूज़ हैं, हम मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल आप सबसे कहूँगा, प्रोग्राम जवाब तो जाएगी टीम से आप रब्ता करें, मेरी टीम आप लोग के साथ हमेशा मौजूद है और रहेगी। आप इस चीज़ में लगें, हम इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। आपने सुना क्या कहना था, फर्जी हमारी उस लड़की का, जो ये फर्जी लड़की नहीं है, फर्जी उसका नाम है। उसका किरदार इतना ज़बरदस्त है कि जब हमने उससे कहा कि क्या ये आप किरदार निभा लेंगी तो उसने कहा कि मैं दूसरों के लिए एक इबरत नहीं बनना चाहती, उल्टा मिसाल बनना चाहती हूँ, मेरा फेस ना आए। उसने दरख्वास्त करी, जैसे कि हमने भी कोशिश करी कि हम किसी का फेस ना लें, किसी की तस्वीर ना हो, लेकिन यकीन जाने इस लड़की की कहानी सुनने के बाद आज पूरे 10 दिन तक हम ये कोशिश करते रहे कि ये दरिंदा अपने घर से बाहर आए। और उसने अब जब लड़की को टाइम दिया है दोबारा, वो सारी चैट, वो सारे लफ्ज़ हमारे थे कि वो लड़की ये लफ्ज़ अदा करेगी तो वो घर से बाहर आएगा। और आज यकीन करें उस लड़की की वीडियोस हैं और साथ साथ उसके पास कई हज़ार लड़कियों की वीडियोस भी हो सकती है, क्योंकि उस लड़की का कहना ही ये है कि उसने यही कहा कि मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी नाज़ेबा वीडियोज़ हैं उन लड़कियों की जो जॉब्स के लिए मेरे पास आती रही हैं। प्रोग्राम के आगाज में जहां मैंने कहा कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, लेकिन 6 सितंबर का आज दिन है, यौम दिफा का दिन है, जहां हम पूरे पाक फौज को सलूट करते हैं क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ये दिन आज का दिन मनाते हैं और पूरे पाकिस्तान के उन लोगों को सलाम करते हैं। लेकिन साथ साथ आज मैं बा किरदार बा हिम्मत उस लड़की को सलाम करना चाहूँगा जिसने आज के दिन ये कहा कि मैं उन लड़कियों के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ कि जिन लड़कियों के साथ ज़्यादती होती है और वो अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती। आज मैं कहना चाहूँगा कि तमाम उन लड़कियों से कि यकीन जाने अपने लिए खड़ा होना सीखें, जब आप किसी के लिए करेंगे तो यकीन जाने हमेशा
बेहतर ही होगा। एक बार फिर सलाम करता हूँ मैं पाक फौज को 6 सितंबर पर, लेकिन साथ साथ मैं उस लड़की को भी करता हूँ कि यकीन जाने आज जो आप किरदार हमारे साथ अदा करने जा रही हैं, ये लोगों के लिए एक मैसेज भी होगा और एक पैगाम भी होगा कि जब एक औरत अपनी ज़ात के लिए खड़ी होती है तो वो आखिरी हद तक जाती है। चलते प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा। अच्छा जी, हम उस स्पॉट पे पहुंच चुके जहाँ पे हमने उस लेडी को बुलाया था और वो फर्जी किरदार हमारे सामने सुनाने को। क्या हुआ, अब क्या बातचीत हुई अभी उससे? अभी उसने सर बस अख्तर कॉलोनी बुलाया मुझे वहाँ पे। अख्तर कॉलोनी का जो स्पॉट सेट हुआ है, मैं आपको वलीद के साथ, जो हमारा अपना खास है, वलीद इधर आ जाइए, वलीद आपको लेके जाएंगे अख्तर कॉलोनी। हम आपको फॉलो भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो लड़का आपको एक बार मिले, पिक करे और उस जगह पर लेके जाए जहाँ वो लास्ट टाइम आपको लेके गया था। तैयार हो? जी सर तैयार हूँ। कहना चाहिए? नर्वस हूँ, बस डर तो लगता ही है हर चीज़। 6 सितंबर का दिन है, पता है जब हम दिफा की बात करते हैं ना, तो ये आज अपने लिए भी आप दिफा करिए और वो तमाम औरतों के लिए आप दिफा करने जा रहे हो जिनके लिए आज आप किरदार अदा कर रहे हो। लेकिन यकीन जानो इस पर सिर्फ हौसले की ज़रूरत है। हौसला है? बिल्कुल है सर, हिम्मत है। इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर होगा। वलीद के साथ रवाना करते हैं और आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ना उनसे, मुस्तकिल कॉन्टैक्ट भी करते रहे। अच्छा जी, इनको रवाना कर दिया है, साथ साथ हमने एक्स्ट्रा भी कुछ लोगों को साथ रखा है ताकि वो वहाँ पहुँचे। और अब किरदार ये है कि हम ये चाहते हैं कि आज हकायत जो है सामने आ सके, और पूरी कोशिश है कि जवाब तो जाएगी टीम आपको हकायत दिखा सके। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ साथ अभी हम पहुंचने वाले अख्तर कॉलोनी, जो स्पॉट लड़के ने लड़की को दिया है, लोकेशन दी है, वो स्पॉट है अख्तर कॉलोनी का। अब हम कोशिश करेंगे कि अख्तर कॉलोनी पे लड़की को अकेले सिंगल हैंडेड हम खड़ा रखेंगे और दूर से हम स्पाई करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि वो लड़का किस तरह लड़की को पिकअप करेगा और कहाँ लेके जाएगा। आप मजीद आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं कि लड़की मुस्तकिल कांटेक्ट में है, वो बार बार कांटेक्ट करके जानने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ तक पहुँची है। अभी लड़की से मेरी जो भी बात हुई, उनका कहना ये था कि मुस्तकिल वो रब्ता कर रहा है और कह रहा है कि कहाँ तक पहुँची है। और लोकेशन, वो कहते हैं ना शातिर दिमाग, और ये एक अवेयरनेस भी है तमाम लड़कियों के लिए, खुददारा आप लोग समझें इस बात को कि जब कभी कोई आपको जॉब के लिए इन्वाइट करता है तो आप ये ना कहें, क्योंकि आपने पहले सेगमेंट में देखा होगा कि लड़की ने खुद एक गलती अपनी एडमिट की, और ये भी अच्छी चीज़ है कि जब कभी आप किसी को हाथ बढ़ाते हैं आगे कह के कि मुझे हमें ले चलें, हमें पिक कर लें, तो आप ये मौका सामने वाले को भी देते हैं कि वो आपके साथ कोई ऐसा काम कर बैठे। और जो वो वर्ड लड़की के साथ यूज़ कर रहा है कि मुझ पे शैतान आ गया, हम पूरी कोशिश ज़रा जानने की करेंगे कि आखिर ये शैतान कैसा शैतान है जो सिर्फ औरत को देख के ही आता है।
चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है इसलिए क्योंकि जहां लड़के ने लेके पहुंचना था वो वहां पहुंच नहीं सका क्योंकि लड़की ने अपनी मजबूरी जाहिर की और रात का बड़ा एक पहर हो चुका था। तो हमने ये शो किया, लड़की से हमने दरख्वास्त की कि आप कहें कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई है जिसकी वजह से आप मुझे अभी घर ना लेके चले, हमें किसी अभी सेफ साइड चल के हम बातचीत करते हैं। तो उसने ज़िद करने के बाद एक पार्क में लेके वो लड़की को बैठा है। अब सारा जो मसला है वो मोबाइल जिसके अंदर उसमें फुटेज है, चीज़ें उस लड़की की मौजूद है जिस जरिए वो लड़की को कर रहा है ब्लैकमेल। चलते हैं, मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। बड़े मुश्किल से जब रबते होते हैं लोगों से तो बड़े अच्छे दोस्त जो होते हैं वो हमेशा साथ देते हैं और अदनान बहुत पुराने दोस्तों में, तो ये बहुत मेरी एक टीम है जिन्होंने फौरी तौर पे उस जगह पर पहुंच के उस जगह पे उस चीज़ को होल्ड किया कि वो कहाँ हैं। अब लोग इस पर कहाँ पर अदनान, ये लोग अंदर बैठे हैं तो रास्ता बिल्कुल एंड है, तो हम लोग सब बाइकों पर फॉलो करेंगे। मुनव्वर बाइक पर आओ। अच्छा जी, कहते ना कि जब अल्लाह से मदद मांगे तो मदद मिलती है, तो यकीन जाने आज उसी तरह मदद मिली और मेरे पुराने जितने दोस्त हैं उन सब ने उस जगह को कॉटन किया। और ये इतना बड़ा जगह है, मैं नहीं नाम लेना चाहता इस पार्क का है, लेकिन आप यकीन करें ये इतना बड़ा पार्क है कि उस जगह तक पहुँचने के लिए जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो कहाँ हैं तो वो भी आप देख रहे हैं बाइक पर हैं, वो उस जगह पर हैं और अभी तक उनको पता नहीं है कि अब अल्लाह की जो मदद उन उस लड़की के लिए अल्लाह ने भेजी है। हम सब मिल के आज ये बताएंगे कि ब्लैक मिलरों का हाल होता क्या है। हमने पहले ही 15 से मदद मांगी है और पुलिस ने हमें फौरन रिस्पॉन्ड किया है क्योंकि हमने अपनी मदद आप पहले अंदर जाने से बेहतर समझा कि पुलिस को भी बुला लिया जाए ताकि कोई अगर बदमजगी तो उससे पहले पुलिस भी उस जगह पर पहुंच जाए। अदनान और कितना आगे जाना है हमने? आगे आगे, ठीक है। ब्लैकमेलर हो जिसका एक एक हमारे पास का रिकॉर्ड है, मैं तुम्हें सारी शीट दिखाऊंगा, पुलिस भी हमने से। अदनान, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कि 15 का जो काम है एक्चुअल आपने वो किया, लेकिन जवाब तो चाहिए कि टीम इस बंदे को पिछले 15 दिन से ट्रेस कर रही है और इसलिए कि ये मासूम वो लड़की है जिसको ये शख्स ब्लैकमेल कर रहा है। मैं तुम्हें दो ऑप्शन दूंगा इसी वक्त यहाँ पर, एक तो अपना मोबाइल का मोबाइल दो, उसका मोबाइल के बाद, ठीक है? नहीं नहीं, सब है फिर सब सब इसकी व्हाट्सएप। आप कितने बड़े शैतान हो, आप में शैतान आ जाता है, दिखाओ तरफ शैतान दिखाओ ना कैमरे में। सर मैं पसंद करता हूँ इसको, हमारी एक एक वीडियो इस पे से मैं निकाल के दिखाऊंगा जो हमारे पास है। शादी करना चाहता हूँ बेटा, तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये बताओ पिछले एक महीना कैसा गुजरा? मेरा क्यामत की तरह गुजरा है, शुरू में जो मेरे अचानक जो इसने मेरे साथ काम किया है मेरी लाइफ के साथ वो कभी जिंदगी में नहीं हुआ। तुम्हें इतनी शर्म आती है? शैतान आ गया तुम्हारे लड़की के, तुमने कपड़े उतारे, तुमको शर्म आती है? तुम्हारे अंदर हया है? हाँ, तू ऐसा बंदा इसके अंदर जो फुटेज है, मैं तुम्हें इसका पासवर्ड खोलो बहुत बेहतर रहेगा। पासवर्ड खोल, फटाफट खोलो बेटा, पासवर्ड खोल। अच्छा जी, ये वो कैमरा है और दो मोबाइल इसने लड़की को दिए और जिसमें बेटा इधर आना, मैं इसको आप व्हाट्सएप पर रखें, वीडियो में जाएंगे तुझे। बेटा इसने आपको वन टाइम वीडियो शॉट भेजी दिया, सही है? इसमें और भी फुटेज है लड़की के पास, बहुत सारी लड़कियों के नंबर है, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप शादी करना चाहते हो, आपके सारी वीडियो हम अभी अब दिखाएंगे। मैं पहले वो वीडियो निकाल लूँ जो इस लड़की की है, डिलीट भी अगर होगा, हाँ अगर डिलीट भी होगा ना बेटा, ये तो चेक करते हैं, चेक करते जाएं इस मोबाइल में कितनी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी और लोगों की भी इससे ज़िंदगियाँ बर्बाद की हुई हैं। हाँ हाँ, अभी रुक जाए ना, अभी बदल जाएगा सारी एक एक मैसेज हमारे पास दंड के पड़े जो भी हम थाने मैसेज हो आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, डिलीट करने वाला बंदा भी हम देख लेते हैं ना, डिलीट चीज ऑप्शन डिलीट में जाता है, ट्रैश में गया होगा ना, हम चेक कर लेते हैं। तुम अगर आपने इसलिए किया, आपने किस लिए किया इसके साथ? मैं शादी करना चाहता हूं। शर्म आती है शादी का, ये तरीका है कि कपड़े उतारोगे किसी के? तुम्हारी माँ बहन है, तुम्हारी माँ बहन के कोई कपड़े उतारे और तुम्हारे शादी करेगा, मंजूर है तुम्हें? बोलो ना, मुंह से बोलो जी, गलती हो गई ना। अच्छा जी, हम ये फुटेज से बहुत सारी इसके पास हैं, अब वो निकालें। तारीख क्या थी बेटा, याद है आपको? थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मिले थे इससे, वो अभी इंटरेस्ट में देख लेंगे, मिल जाएगा, सब रिकवर हो जाएगा। आपने डिलीट क्यों की पहले बताओ जी?
लड़की को वन टाइम क्योंकि मैं डराना नहीं चाहता आपने इसको कितनी बार भेजी वीडियो सुने एक्चुअल चीजें कहा है इसके अंदर जो डिलीट भी होंगी वो भी नहीं नहीं दो मिनट लगेंगे अच्छा मैंने करवा लूंगा मेरे पास भी बंदा है क्यों करी जब तू ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं क्यों कर रहे और ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं अल्लाह माफ कर तुमने मेरे सामने पता है ये मेरे उस वक्त ना चैनल पर थी लड़की जब आपने इसको वन टाइम की वीडियो भेजी है ना तब भी लड़की को आप कह रहे हो कि लड़की ने कहा आप मुस्तकिल झूठ बोलोगे अपने लिए मुसीबत बनाओगे हमारे पास तो चैनल्स हैं सारे और इनसे ये भी पूछ लिया मैंने उसी टाइम मैंने बोला कि मैं आपकी वीडियो डिलीट कर दूंगा एक लड़की जॉब की हमारे पास आई तुम उसको लेके कैसे कमरे में ले गए और कह रहे शैतान आ गया तुम पे कैसा शैतान आया तुम पे अदनान कैसा शैतान आया लोकल बहुत जरा लोकल ही वाला तो मुझे ये बताओ लड़की तुम्हारे पास किस लिए आई थी ये जरा चेक करें ये देखिए जरा इसके कारनामे देख रहे हैं ये देखिए ये चेक करें ये चेक कर रहे हैं ना देख लिया ये पहली एक वाहियात वीडियो में दिखा नहीं सकता इस वक्त कैमरे के आगे अब मुझे लड़की आपके पास जॉब के लिए आई थी आपने क्या किया उसके बाद दोस्ती हुई थी नहीं कोई दोस्ती सारे चैट मौजूद है एक एक चैट मेरे पास मौजूद है मैं फिर कह रहा हूँ जितना झूठ बोलोगे तुम्हारे लिए परेशानी मैं कुछ भी झूठ नहीं मैं झूठ नहीं बोलोगे आप लोग खामोश आप जितना सच बोलोगे ना देखो उतना आपका भला रहेगा देखो ये देखिए एक और वीडियो जरा ये साहब के बाद मोबाइल में इनकी अपनी भी वाहियात इनकी अपनी किसकी कौन सी लड़की लड़की नहीं लड़का है लड़की की वीडियो भी बनाते हो नहीं नहीं लड़का है चलो एक मिनट रुके ना हम इसको और मजीद देखते हैं देखो जितना टाइम आप लगाओगे ना हमें वेट करने को तो मिलेगा मौका गलत नहीं सिर्फ इसके यार मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं हूँ आप उसकी जो सजा दोगे मेरे को कबूल है लेकिन मैंने उसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया एक मौका देता हूँ ये वीडियो कहाँ है लड़की की अभी डिलीट कर नहीं निकाला वो निकाल लें भले डिलीट कर दिया आप बताओ जो बात है देखो एक नहीं है तेरे पास बहुत मैं कसम खाने के लिए कसम नहीं खाओ कसम खाना झूठा होता है अच्छा चले आप जो बोले मैं करने के तैयार हूँ लड़की वो डेट देखो अपने मोबाइल में किस दिन से तुमसे चैट किया अभी डेट आइटम से निकाल लेंगे ये देखें ये चेक करें ये चेक करें चलेगी ना वो बर्दाश्त करना जिंदगी भर अपने माँ बाप को बताना कि मैंने एक लड़की को मजबूर वो दो जॉबें कर रही थी वो बेचारी दूसरी जॉब के लिए तुम्हारे पास आई थी कि खुदा के वास्ते मुझे 5 घंटे की जॉब दो मुझे अपनी बहन की शादी करनी है तुमने क्या किया उसकी जिंदगी के साथ शैतान और मैसेज में तुम लिख रहे हो मुझे शैतान आवी हो जाता है और तुम उसको इतनी वाहियात बातें लिख रहे हो अरे गैरतमंद हो मर्द हो ये मर्दानगी है कि एक बेबस औरत के ऊपर तुम अपना हुकूमत चला रहे हो शर्म आ रही है तुमको आ रही है मैं बिल्कुल कहूंगा कि इनके मोबाइल में इतनी डेट निकाली आपने ये देखें आप ये शख्स जो कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया की वीडियो बस तुम्हारी जहनीत ही ना ऐसी है तुम्हारी जहनीत जो है ना वो ऐसी है तुम्हें शर्म आ रही तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारी माँ बहन की तस्वीरें नहीं है पर एक से एक दूसरे की माँ बहन की तस्वीरें हैं और स्पेशल वगैरह में भी आ जाती हैं इस वजह से सही है बिल्कुल ठीक है मैं एक मिनट लगेगा वो वीडियो निकल आएंगी थोड़ा तो और वक्त लगेगा और वो डेट देखो जब इसने तुम्हें वीडियो भेजी है वन टाइम वाली आई थी ना वीडियो पहला वाला नंबर था दूसरा नंबर पर देख लो शायद इसका जो इस पर भी भेजी थी ये देखें ये बोल रहा है ये सोशल मीडिया ये डायरेक्ट पिक्चर भेजी हुई पिक्चर है मैं निकल आएगी पहले मैं इसमें देख रहा हूँ इजी पैसे आ रहे लोगों से पैसे तलब कर रहे हो तुम सामने तुम्हारे मुंह पे हंसी आ रही है तुम्हें शर्म आ रही है नहीं नहीं मैं दांत निकाल लो तुम मुंह पे शर्मिंदा हूँ मैं बहुत शर्मिंदा इसको मैंने बहुत शर्मिंदा अभी आप कॉल पे बात करें जिन्होंने मुझे पैसे भेजे डेट आ गई क्या डेट है 12 अगस्त किसने आपको वीडियो भेजी थी 12 अगस्त मैं इसके डिलीट सेक्शन में जा रहा हूँ रिसेंटली डिलीट हाँ लॉक खोलो क्या तारीख क्या बताई बेटा बारह अगस्त इसके गूगल में भी हम चेक कर लेंगे इसकी गूगल आईडी भी निकाल लेंगे वो टेंशन नहीं है हमें तो चेक करो अच्छा जी बात सिर्फ दीदी है आगे की तरफ आए अदनान एक बार फिर मैं कहता हूँ वन इसको हम थाने तो मुंतकिल कर रहे हैं बेटा ये शख्स का क्लेम है मैं चलो ये भी सवाल रख ही देता हूँ ये शादी करने का कह रहा था ऐसी कोई बात हुई थी मुझसे जब जबरदस्ती इसने शुरू की थी तो पहले मुझसे बोला मुझे भाई क्यों थी इसके बाद पहले बताओ जॉब के लिए आई थी फर्स्ट टाइम मिली थी इससे फर्स्ट टाइम था आपकी जो सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने आपको बताई कि आपने इससे जो मदद मांगी वो मदद ये थी कि चले मुझे जॉब पे ले जाएं जहां पर आपने वो जिंदगी में याद रखें अवेयरनेस ले लें कोई इंसान आपका अपना नहीं जब तक आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नबी ने भी ये मैसेज दिया है कि हमेशा अपना काम आप खुद करें अगर कहीं जॉब का अप्लाई हुआ है तो आप चल के खुद जाएं किसी के इस वे में ना रहें कि कोई आपको पिक करेगा लेके जाएगा कौन सा शैतान कब किस पर आ जाए ये आपके सामने मतलब अच्छा आप इनके साथ जॉब पे गए डायरेक्ट आपको एक घर लेके गए क्या हुआ था
एक बार फिर ताकि ये जो पुलिस है हमारी ये भी सुन सके और नाज़रीन एक बार फिर सुन सके। सर वहाँ से तो ये आधे रास्ते में मुझसे, मैं अभी भी उस रास्ते से पैदल चल के आ रही हूँ। मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने एक बहाना करा कि तबीयत का हमारे कहने पे, वरना तो लेके तो जाना था इसने घर पे। ये तो आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन मैं एक बार फिर आपको बता दूँ कि इस लड़की के साथ जो वाकया वो पहले सेगमेंट में आपने सुना कि वो इस लड़की ने क्या बताया, इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। आज 6 सितंबर यौम हम दिफा का दिन कहते हैं, मैं कहता हूँ ख़वातीन की यौम दिफा है। इस लड़की ने अपनी दिफा के लिए अपने लिए जंग लड़ी उन लड़कियों के लिए कि हमने इसको एक गुमनामी नाम ज़रूर दिया, फ़र्ज़ी नाम ज़रूर दिया, लेकिन यकीन जाने आज यौम दिफा का दिन है। 15 मौजूद है, 15 के जवान मौजूद हैं जिन्होंने एक कॉल के ऊपर अपनी फौरी तौर पर हमें दिया। अब यहाँ से हम थाने इसको मुंतकिल करेंगे और जो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है 1 डे से लेके अब तक की चैट, मैंने फिर इस लड़की से वाहियात चैट करने को भी कहा। मैंने कहा कि आप थोड़े से नाज़िम, क्योंकि ये साहब उस लड़की को कहते हैं कि जब मैं कहूँ तब आना है। जब जैसे कि ये इनके शायद मिजाजी खुदा लगे हुए थे कि ये एक पैर पर कहेंगे और ये लड़की आएगी, लेकिन जो इस लड़के ने इस लड़की के साथ किया ये एक सिर्फ मैसेज है। और इस बेहिस इंसान जो शैतान नुमा इंसान है कि इसके मोबाइल के अंदर अदनान साहब कोई एक शराफत वाली कोई चीज़ मिली अभी तक? नहीं नहीं, जिसको ये कह रहा है सोशल मीडिया वॉट एवर, अभी तक कोई मिली? कोई भी नहीं। और अभी एग्जामिन करने के बाद तो मोबाइल पे हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी चेक करें। और ये सारी चैट में मौजूद है जो इस शख्स ने गुफ्तगू करते हुए कही है कि वीडियो मेरे पास है और मुझे शैतान मजीद करने पर। तुम काम क्या करते हो? सवाल सही क्या कहूँगा? जोहर में किचन लाइन, किचन लाइन में ना, शेफ़ की लाइन में। तुम्हें पता ना एक शेफ़ जो होता है ना उस पर भरोसा करके लोग खाना खाने आते हैं ना, ऐसे ही है। एक मिनट, आपने ये कहा ना कि ये घर पे, इसने बोला कि मैं बीमार हूँ, ऐसा नहीं है, इसने घर का ही बोला, लेकिन मैं घर पे मिला लगा। आपको पता है एक एक चीज़ सुनो, एक एक लोकेशन टाइप हम नहीं करवा रहे थे। और हमने आप ये छोड़ दें, आप इतना मासूम ना बनो ना दोस्त। आपने जो शैतानियत वाहियात हरकत की है उसकी कोई आपके पास शर्मिंदा है ना? आप अपने माँ बाप को क्या मुँह दिखाओ? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको एक बात मैं बताता हूँ, अगर ये आपकी बहन होती कैसा लगता तुम? उसके लिए मैंने अभी भी एक सवाल है, आपकी बहन होती ये चीज कोई करता क्या करते? बिल्कुल बहुत गुस्सा आता मुझे, गुस्सा नहीं गैरत जाग जाती। आप जैसे जाहिल लोगों की वजह से, वो गैरत के नाम पे जब लड़कियों को मार दिया जाता है ना, आप जैसे बेगैरत लोगों की वजह से होता है। सॉरी मैं लैंग्वेज पे मजबूर हूँ, इस पूरे पाकिस्तान में मैं माजत खुआ कि गैरत के नाम पे आप लड़की को तो मार सकते हैं पर ऐसे शैतान नुमा लोगों का क्या किया जा सकता है? अब इनको कुछ कहें तो कहेंगे लड़की, लड़की ने अपनी गलती को पहले ही सेगमेंट में एडमिट किया कि मेरी एक गलती है कि मैं जॉब के नाम पर यकीन कर बैठी और मैं इसके कहने पर चली गई। हम तुम्हें थाने मुंतकिल करते हैं। गेस्ट हाउस रूम वगैरह भी लिए? नहीं है, बात नहीं है, कुछ भी बात जी, बात कुछ बात नहीं। गेस्ट हाउस के रूम की ढूंढ रहे होते हो? पार्टी वगैरह इवेंट्स वगैरह दोस्त। सर ये दोनों मोबाइल लड़की के हम थाने चलते हैं, वहीं इसके चेक, दूसरा मोबाइल भी इधर मौजूद है, चेक किए मोबाइल दे देते हैं, थाने चल रहे हैं हम। ये दोनों मोबाइल आपके पास हैं, हम थाने में एक बार आपसे ज़रूर लेंगे ताकि वहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है? इनको थाने मुंतकिल करते हैं। आ जाए बेटा। अच्छा जी, मोबाइल आ चुकी थी और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि लोग समझें इस बात को कि 15 का किरदार, रुक जा रुक जा, 15 का क्या किरदार है? 15 इमरजेंसी है। आपको जब कहीं कोई परेशानी लगती है अपनी 15 से मदद लें। इस कराची के अंदर 15 को मैं कहता हूँ सलाम है। यौम दिफा वाले दिन भी उन लोगों ने आज साबित कर दिया कि वो काम कर रहे हैं। और मैं आईजी साहब आपको ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि आईजी साहब, जब मैं पुलिस के अगेंस्ट काम करता हूँ तो ये तारीफ भी करता हूँ कि जब पुलिस कार्रवाई करती है चाहे वो 15 हो, आपके तमाम इदारों में अगर इस वक्त देखा जाए तो 15 अपनी खदमात हमेशा अंजाम देती है। अदनान एक बार बहुत शुक्रिया, आप थाने चल रहे हैं और ये शुक्रिया इसलिए अदा नहीं कर रहा, देखिए आपका फ़र्ज जो आपने वो निभाया। और यौम दिफा आप सबको मुबारक हो आज का 6 सितंबर और जवान ज़बरदस्त आए अदनान, इसको टिकअप कर बिठा दिया। और आप ये देखेंगे बिल्कुल, जबकि जो होना था अदनान शख्स के साथ, यहाँ पे इतनी आवाम थी, इसको इसलिए नहीं मारा गया बिल्कुल कि लोग सब यहाँ पे बददुआएं दे रहे हैं कि जो हरकत है हमारी लड़कियों के लिए एक मैसेज है, खुदा के वास्ते खुदारा अपने माँ बाप से डिस्कस किया करें। मैं जवाब तो चाहिए, मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ मुझसे रब्ता करें, अगर आप अपना भाई समझ के मुझसे रब्ता करें, मैं मेरी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है और हम आएंगे हकायक दिखाएंगे। जिस तरह आज हमने इस बंदे को 15 दिन तक की मेहनत
और सलाम है उस बेचारी लड़की को, उसको सलूट करता हूँ यौम दिफा वाले दिन, जैसे हम अपनी पाक फौज को करते हैं, इस मुल्क को करते हैं। हम उन तमाम ख्वातीन को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस लड़की को सलूट बनता है कि इसने अपने हकूक के लिए खड़े। अमीर नहीं है, एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, दो जॉबें करने के लिए इस दरिंदे के पास पहुंची, इससे दरख्वास्त की कि अपनी जॉब लगवा दे मेरी कहीं पर, 5 घंटे में मुझे कुछ मिलेगा ताकि मैं अपनी बहन की शादी उस पैसों में जोड़ के कर लूं। और इस दरिंदे ने उसके कपड़े तार तार करके उसकी एक वाहियात वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करना शुरू करा। कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, एक बार फिर मैं कहूँगा कि हम थाने इसको मुंतकिल कर रहे हैं, इसको SHO के सामने पेश करेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो इसके खिलाफ होनी चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। यौम दिफा पर एक ही मैसेज है कि खुदाया जितने भी लोग हैं, और अगर आप डरते हैं, मैं लड़कियों से मुखातिब हूँ, अगर आप डरते हैं तो रब्ता करें जवाब तो जाएगी टीम से, हम आपके लिए आएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे और नाम भी गुमनामी में रखेंगे, और ऐसे भेड़ियों को सामने लाके आपके आगे रखूंगा मैं, क्योंकि ये लोग माशरे को किस तरह तबाह करते हैं और फिर आगे से कहते हैं हम पर शैतान हावी हो गया। गैरत के नाम पर आप तो मार देते जो लोग अपनी बेटियों को, खुदारा कभी उनकी सुन भी लें, क्योंकि बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं। अच्छा जी, ये इतना अंदर लेके लड़की का जब बैठा है तो हमें पहुंचने में वक्त लगा। मैं एक बार फिर अदनान का बहुत शुक्र गुजार हूँ यहाँ पे। अदनान ये जगह के लिए बहुत शुक्रिया अदनान, वक्त पे साथ देने का, क्योंकि ऐसे किरदार को हम लोग सब थाने चलने आपके साथ ही हैं। अदनान हम लोग गाड़ी फॉलो करेंगे, अदनान हम अरे थाने, और अदनान एक बार पूरी तुम्हारी टीम को ये भाईजान इधर आइएगा, ये भी बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ खड़े रहे। नाम क्या है? सलमान। सलमान भाई, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि औरत ज़ात को जब कह के मार दिया जाता है ना गैरत के नाम पर, तो ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से औरतों का ये हाल होता है। तो यकीन जाने अगर जो प्रोग्राम देख रहे हैं ना, और जिनको गैरत की ज़्यादा यकीन अपने गैर पर, तो पहले अपने यहाँ देखेंगे किस वजह से लड़की परेशान थी। ये लोग ब्लैकमेलर हैं, वीडियो बना के उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। 6 सितंबर वाले दिन एक ही मैसेज है कि जहाँ पाक फौज को सलाम है, पाकिस्तान को सलाम है, वह यकीन करें इस लड़की को सलाम है जिसने अपने हकूक के लिए अपने किरदार को अदा किया और दूसरी लड़कियों को मैसेज दिया। चलते थाने की तरफ जहाँ इसको मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा जी, पहुंच चुके हैं थाने जहां पर इस बंदे को मुंतकिल किया गया है। अब सवाल बड़ा अहम है कि अंदर क्या कार्रवाई होती है, ज़रा SHO साहब से भी बात करेंगे कि इस पर कार्रवाई बनती है क्या। केस बोला समझाई तो आसानी करें, इसको 15 दिन केस करें, ब्लैकमेल का केस है। जॉब पे बुला के लड़की वीडियो बनाई, लड़की भी मौजूद है यहाँ पर, और किसने वो साथ जो बैठे थे ना, 15 दिन से हम ट्रेस कर रहे थे, मिल नहीं रहा था। पर आज कर कर आके हमने किसी तरह इसको कैप्चर करके एक जगह पर भिजवाया, वहाँ हमने रेड की पुलिस 15 को लेकर, जो हमारा गाँव राइट बन रहा है, पुलिस को लेके हमने कहा थाने को भी बंदे को करते हैं, घर बनता है प्रॉपर। अब एक्चुअल लड़की यहाँ इसके मोबाइल के अंदर जो नाजेबा वीडियोज़ हैं वो हमें निकलवानी है ताकि वो डिलीट हो सके। उसकी जिम्मेदारी ये दे सके कि कल को अगर कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी है, अगर ये वीडियो कहीं लीक होती इस लड़की की बराना वीडियो, लड़की को हम मन से बर्दा रखे हुए, वो कबूल रहा है, हर चीज़ कबूल चुका है कि हाँ मैंने किया है गलती, सब उससे मानी है, ठीक रहूँगा क्योंकि पुलिस है, लेकिन कैमरे की रिकॉर्ड में मौजूद है कि इस बंदे की एक ही चीज़ जवाब में मौजूद है। तो आप नसीर साहब अगर अवेलेबल है तो हमारे लिए बड़ा एक चीज़ है ताकि मैं उनकी नॉलेज में डाल सकूँ। जी 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 खाने दे नंबर कर सकते थे बराबर रब्ते की बता रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल ये किसी को आपके हैंड ओवर कर रहे हैं, दूसरा मोबाइल आपके हैंड ओवर है, वॉलेट और एक बाइक थी, बाइक बाइक हाँ बटो
मंडी में बाइक कैसी का खड़ी की है, उसको अंदर ले आओ, ठीक है, उसको अंदर लेके आओ, बाइक को अंदर ले आओ। ये NIC प्लस वाले, ठीक है, कौन सी NIC? ये देखिएगा NIC। कितने दे? इधर आपको जो पड़ता है सस्ता सर। जी जी, उसका आप चीज़ें, अदील खान मेरा नाम है, न्यूज़ एंकर हूँ K21 न्यूज़ का, जवाब सही हो उसका। बच्ची ने 6 सितंबर वाले दिन आके अपनी हिम्मत करके एक बंदे को पकड़वाया। लफ्ज़ नहीं है लेकिन फिर भी हमें अदा करने पड़ेंगे, आपके पास जो लफ्ज़ है कुछ कहना चाहती हो? सर बस यही बोलूँगी कि मेरे साथ तो गलती हुई है लेकिन आगे किसी के साथ नहीं हो। और मैंने हमेशा देखा भी है, सुना भी है कि ऐसे लोगों को जो है ना पैसे लेके छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा ना हो। पुलिस से तावन चाहते हो ना, जितनी देर अभी थाने में नहीं, पुलिस का क्या रवैया देगा? जो सुना है, आज पहली बार थाने आई हो, क्या लगा देख के? लगा तो अपनी पुलिस पे एतबार करना चाहिए, बिल्कुल हमें अपनी फोर्सेस पे एतबार करना चाहिए, ये बात याद रखना। खुश रहो और जिन लड़कियों के लिए आपने हिम्मत करी, जो लड़कियां आपको देखा, बहन बोला मैंने, तो याद रखना जब आप हिम्मत करते हो ना तो शायद जो लड़कियां घर में बैठ चुकी हैं ना इस डर से, तो शायद उनमें हौसला है बानिस्बत किसी गलत काम करने से, क्योंकि ऐसी लड़कियां अमूमन तौर पर गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है इन जैसे भेड़ियों के आगे। तो एक बार फिर मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करूंगा कि तुमने हमसे रब्ता किया, और माजरत भी कहूंगा कि हम तुमसे लेट रब्ता कर पाए, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप इधर सिर्फ एक जुमला इस शख्स से लेना है, इधर आओ, सारी बातें तुम्हें मालूम है, पुलिस के सामने बहुत सारी बातें हो गई हैं, शर्म है कहीं? बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो ना, गिल्ट फील कर रहे हो ना, जब शैतान का अल्फाज तुमने यूज़ किया था ना तो यकीन जानो शैतान तो फिर शैतान ही होता है, तो थोड़ी गैरत पकड़ो, जब किसी औरत की तरफ देखा करो तो अपनी माँ बहन की तरफ ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि आपकी माँ भी एक औरत है ना, है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपकी माँ ये प्रोग्राम देखेगी क्या सोचेगी? बहुत शर्मिंदा होगी। बहनें देखेंगी तो क्या सोचेंगी? बहुत शर्मिंदा होंगे। दुआ करो अल्लाह से कि तुम्हारा बेहतर हो, लेकिन तुमने काम ऐसा कोई नहीं किया। मैं आबिद साहब की ओर जाऊँगा, थैंक यू अगेन आबिद साहब, बोर्ड बेसन में आप एज अ एडिशनल SHO की ड्यूटी अफसर भी हैं, केस आपके सामने हैं, औरतें डरती हैं थाने आने से, बच्ची ने एक वर्ड बोला आपने सुना होगा सबने, लेकिन ये डर मैं ही कह रहा हूँ कि हमें अपनी फोर्सेस पे एतबार करना चाहिए। काली काली अल्फाज जो वर्ड होता है ना कि भेड़े हर जगह होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा गलत हो, हर अफसर गलत हो, कुछ अफसरान अच्छे हैं। SHO साहब, मैं IG साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं पुलिस के अगेंस्ट दिखाता हूँ वहाँ मैं तारीफ भी करता हूँ कि कुछ अफसरान काम करते हैं, सुनते हैं। इस बच्ची का नाम जहर राज देना चाहिए आबिद भाई, इस प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं यकीन दहानी करवाएं कि इस बंदे के साथ कार्रवाई होगी। बिल्कुल पक्की कार्रवाई होगी इसके साथ, इसके कानूनी कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा इसको किसी कीमत पर भी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर, और मैं आपका खास तौर पर कि फ़ौरन आपने एक्शन लिया, काम छोड़ के सारे काम किए, 15 का बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई साहब। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा एक चीज़ बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ, लेकिन सच के साथ आज मैं पूर उम्मीद हूँ अपनी प्यारी बहन के साथ कि हमने हक दिखाया, सच दिखाया, और इसमें कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करी, लेकिन ये एक मैसेज देने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि जो भी लोग हमसे रब्ता करना चाहते हैं करें, हम साथ देंगे। K21 न्यूज़ पर ये पहली बार है कि कोई ऐसा एक्सपोज करने के लिए हमें 20 दिन लगे इस काम में, 15 से 20 दिन हमें लगे, लेकिन आज मैं पुर उम्मीद हूँ, मैं इस बहन को लेके पुर उम्मीद इसलिए हूँ कि हमने हक और सच को दिखाया, पुलिस से मदद ली, पुलिस ने फौरी तौर पे हमसे रब्ता किया, फौरी तौर पे टेक द एक्शन हुआ। इस वक्त हम बोर्ड बेसन थाने में जहाँ पर नसीर साहब SHO हैं वो इस वक्त ड्यूटी पर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यकीन दहानी कराई अपने ड्यूटी अफसरान के ज़रिए कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ पूरे पाकिस्तान से, आज यौम दिफा का दिन है 6 सितंबर, हम जहाँ पाक फ़ौज को सलाम करते हैं हमें अपनी तमाम फोर्सेस को याद करना चाहिए, क्योंकि अगर तमाम फोर्सेस मिलके इस कराची शहर या पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे तो यकीन जाने एक आम आवाम पुर उम्मीद रहेगी, सुकून से सोएगी, और आज
6 सितंबर में जब हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं तो यकीन करें ये मैसेज एक बच्ची के लिए भी है। तमाम उन औरतों को सलूट है जो अपने हकूक के लिए, हक और सच के लिए खड़े होती हैं। और इस बच्ची को मैं कहूँगा, आज इसका नाम तो हम नहीं ला सकते सामने, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि इस बच्ची को सलाम है कि इसने 20 दिन हमारे कहने पर उन चीज़ों को फॉलो किया और आज उसको मंतखबी इंजाम तक, उस शख्स को, उस भेड़िए को, उस वैशी दरिंदे को हमने उस किरदार पे पहुँचाया। एक बार फिर मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बार फिर K21 न्यूज़ पे इस प्रोग्राम को करते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जब मैं हकायक दिखाता हूँ तो वो रात मेरे लिए बहुत सुकून दे होती है कि मैंने जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।